वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2022 में जो आने वाले क्वेश्चन है कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए, तो कानपुर यूनिवर्सिटी वाले ध्यान से सुन लीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन के अलावा कुछ और मत पढ़ना, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि 85% प्लस यहाँ से मिलने वाला है। आप 2022 में टॉप बनने वाले हो, मतलब टॉपर करोगे, ठीक है, टॉपर बनने वाले हो, टॉप करने वाले हो 2022 में। जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब करने का तरीका क्या होगा, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें ध्यान से देख लेना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही पढ़ के चले जाना, बस काम हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से। अब देखो यहाँ दो आपको बता रहा हूँ, और आप हमारी नोट्स को यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके नीचे देखिए। एमसीक्यू और नोट्स दोनों आपको वहाँ लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री में भी आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नोट डाउनलोड कर रहे हो किसी भी कैफे पर जाकर निकलवा सकते हो, और जो फ्री वाला है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, केवल वहाँ से आप पढ़ पाएंगे, बस इतना हो जाएगा। तो आप पढ़ना चाहते हैं केवल तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक से बना हुआ है, आप बड़े आसानी से बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ दिखा है ग्लाइकोल बनाने की विधि और उनके महत्व को देखेंगे। तो ग्लाइकोल बनाने की विधि क्या होती है, देखो ग्लाइकोल बनाने की विधि की बात करने वाले हैं, और ग्लाइकोल बनाने की विधि और ग्लिसरॉल बनाने की विधि, ये दो में से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, या तो आपसे ग्लाइकोल पूछ सकता है या फिर ग्लिसरॉल बनाने की विधि पूछ सकता है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि भी आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, ठीक है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का जो सिद्धांत होता है उसको आप याद करेंगे, इसको आप टिक लगा लेंगे अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखो एक दो क्वेश्चन यदि मैं जो आपको बता रहा हूँ एक आध क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, एक दो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो आप उसको मतलब कि ये नहीं करना है कि नहीं मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं, उस क्वेश्चन जो मिल रहा है उसको टिक लगा लेना, जो नहीं मिल रहा है, एक दो क्वेश्चन आपको नहीं मिल पा रहा है, मतलब कंफ्यूजिंग हो रही है आपको समझने में उसको, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मत पढ़ना, और मैं जो बता रहा हूँ बस उतना पढ़ लेना, और एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और बाकी उसके अलावा आप अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, वरना यही क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, बस काम हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, यहाँ देख दीजिए एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कोलतार से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, कुलतार से फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी आपसे पूछ लेता है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है अवरक्त स्पेक्ट्रमी के ऊपर, अवरक्त स्पेक्ट्रमी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये बहुत बिल्कुल शॉर्ट में है। यदि आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लोगे तो आप समझ जाओगे बिल्कुल शॉर्ट में हमारे नोट्स बने हुए हैं। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन इस तरीके से अवरक्त स्पेक्ट्रम के बारे में पूछता है, वो भी अंतर पूछेगा कि जो ओ और पी हाइड्रोक्सी बेंजलाइड होते हैं उनकी आईआर, ठीक है, स्पेक्ट्रा के आधार पर अंतर आपको बताना होता है। वहीं आपसे एसिटोफिनॉल और पी मेथिल एसिटोफिनॉल में आईआर के आधार पर अंतर बताना पड़ता है। ये दो एक साथ बनते हैं, और जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये लॉन्ग में पहुंच जाता है, ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे तो लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। आपको देखो कुछ रिएक्शन आपसे पूछता है, जैसे कि गटरमान संश्लेषण आपसे पूछेगा, और रीमन टीमन कोच अभिक्रिया आपसे पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात की जाए कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में आपसे पूछेगा, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो रीमर कह सकते हैं, रीमर और टीमान अभिक्रिया के बारे में आपसे पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना है, ठीक है, एल्डिहाइड संघनन को पढ़ लेना, एल्डिहाइड संघनन, ठीक है, एल्डोल संघनन से बोलते हैं इसको आप पढ़ लेना है, लाइकेन्स योगात्मक अभिक्रिया छोड़ देना, होवेन हॉस अभिक्रिया को आप पढ़ेंगे, होवेन हॉस अभिक्रिया छोटी छोटी अभिक्रियाएं हमारे नोट्स में आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएंगी, इतनी सिंपल तरीके से बनाई गई है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए थोड़ा सा नीचे जाके देख लेना, ऊपर ही मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, एक बार फॉलो हो जाइए वहाँ फेसबुक पेज पर, ठीक है, सारे आप सभी लोग फॉलो कर लेंगे और आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन बात करने वाले हैं इस, और नीचे और जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ आपको पीडीएफ और हमारे जो एमसी क्वेश्चन है नोट्स और पीडीएफ दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, नोट्स के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वहीं एमसीक्यू की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है। यदि आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री में प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंड ईयर वाले, ठीक है। यहाँ बोला गया है देखो वियर और लेवार्ड का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वियर और लेवार्ड का नियम बहुत ज़्यादा पूछता है, इस क्वेश्चन को आप याद करके जाएंगे, ठीक है। और एसिटोफिनॉल बनाने की विधि भी आप याद करेंगे, एसिटोफिनॉल विधि किस तरीके से बनाई जाती है ये क्वेश्चन, और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है एसिटोफिनॉल का, ये आप याद करेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण को आप याद करेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में बनता है। उसके बाद में आपसे पूछेगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल को पढ़ लेना है,
सिट्रिक अम्ल को और टार्ट्रिक अम्ल को, ये तीन अम्ल पढ़ लेना, ऑक्जेलिक अम्ल को छोड़ भी सकते हैं, और एक बार पढ़ लोगे तो बढ़िया रहोगे, पढ़ के चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना बना के वहां कर दोगे यदि आपको थोड़ी सी। उसके बाद में उंगली छाप क्षेत्र, जिसे हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना, ऑर्गाइन बोलते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में एसिटो एस्टिक एस्टर बनाने की विधि आपसे पूछ लेता है कि इसे हम इथाइल एसिटो एस्टेट के बनाने की विधि मतलब बोलते हैं, ये दोनों नामों से जाना जाता है इसको, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। आपसे या तो पूछेगा एसिटो एसिटिक एस्टर बनाने की विधि, ये आपसे पूछेगा इथाइल एसिटो एसिटेट बनाने की विधि, ये दोनों बात वही है, आप इन दोनों में जो भी है एक ही को बोला जाता है, इन दोनों को आपस में एक ही संबंध है, इन दोनों को एक अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको एसिटामाइड आप देख लेना है, एसिटामाइड बनाने की विधि और एसिटोफिनॉल बनाने की विधि, ये आप इंपोर्टेंट रहेगा, एसिटोफिनॉल बनाने की विधि, ठीक है। उसके बाद में आपसे नीचे जाएंगे और कोल्वी अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोल्वी अभिक्रिया इसको आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वीटिंग अभिक्रिया क्या होती है इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को एक बार आप पढ़ के जरूर जाएंगे, यदि ये क्वेश्चन गलती से भी आ जाए तो आप इसको बना बना के कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में नीचे हम जाते हैं, आपको यहाँ याद करना पड़ेगा, देखो वीएल एवर्ट का नियम मैं पहले से बता चुका हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अमीन बनाने की विधि आप पढ़ लेना, अमीन जो होते हैं अमीन बनाने की विधि, और उसके बाद में प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकरण किस तरह के प्राप्त किए जाते हैं बनाए जाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे एल्कोहल के बारे में, और हो सके तो मानिक अभिक्रिया के बारे में आप याद कर लेना, मानिक अभिक्रिया क्या होती है, और एपॉक्साइड बहुत ज़रूरी है, एपॉक्साइड बनाने की विधि, एपॉक्साइड बनाने की विधि आपसे पूछता है, बस इतना ही पढ़ लेना काफ़ी हो जाएगा, फालतू ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हैं, मतलब कि यहां से आपको कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, बस इतना ही पढ़ लेना, ये मैं बता रहा हूं, आप एक बार पढ़ के लेते हो ना, इन क्वेश्चनों को पढ़ लोगे तो आप बना बना के कराओगे पेपर में, छोड़ के नहीं आओगे, और जैसे ही आपका पेपर होता है आप हमारे उस पेपर को PDF बनाकर या फिर उसका फोटो खींचकर, ठीक है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे, जो व्हाट्सअप नंबर हो जाएगा 7037327238 आप इस व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत सेंड करेंगे, ठीक है, जो भी आपका पेपर होता है, चाहे वो आपका किसी का भी हो, भाई का बहन को कोई भी हो, आप प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और व्हाट्सअप पे हमें क्या कर देना है, अपने पिक्चर जो भी फोटो मतलब भी आपका पेपर बनेगा उसका फोटो या फिर PDF बनाकर सेंड कर देना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।